लोग यहाँ बैठे हुए हैं, दो सवाल उदाहरण अभी बोल लेने दीजिए, बहुत देर से आप बोल रहे हैं, दो उदाहरण देखिए इनके, एक प्रवक्ता वो जो पुरोहित जी हैं वो बोल रहे हैं और इन्होंने कुछ बोला, इन दोनों में देखिए कितना गैर जिम्मेदारानापन है। अभी ये कह रहे हैं कि जांच करा लेते, किस चीज की जांच करा लेते, बोला तो था इन्होंने, चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मांगा है कि किसने किसने कॉल की, कहां कहां अच्छा कॉल, आप देखे ना सर चंद्रप्रकाश जी ये कह रहे हैं कि एक हफ्ते बाद हम, आज से पहले आपने देखा है, मतलब चुनाव आयोग भी मजबूर हो गया इतना, चुनाव आयोग को ये मजबूर कर रहे हैं कि कोई कार्रवाई करे तो ये अपना नैरेटिव बना सके, जो नैरेटिव इनके मास्टर्स कहीं बाहर से तय कर रहे हैं। आज चुनाव आयोग ने जो एक बात कही है उस पर ध्यान देना चाहिए। चुप रहिए आप, पाकिस्तान से आप चुप रहिए, आप जानते हैं आपके मुंह में अपनी बात आ रही है, सुनिए पहले ध्यान से, सुनना सीखिए, सुनना सीखिए, आडवाणी की चादर चढ़ा सीखिए, बकवास हो रहा है, बात करिए, ये नैरेटिव है, वो बाहर से तय हो रहा है, बोलने दीजिए, सुनिए कहां से तय हो रहा है, बताएंगे बाहर से, आप जानते होंगे, आप बताएंगे, जांच हो जाएगी इसकी, पाकिस्तान की जब आप बात करते हैं ना, सुनिए पाकिस्तान की जब आप बात करते हैं तो वो फवाद चौधरी, अब आपने पाकिस्तान का अगर नाम लिया है, नहीं लिया, उन्होंने लिया है, पाकिस्तान को बीच में ले आए, तो वो पाकिस्तान तो राहुल गांधी के प्रति प्रेम दिखा रहे थे, वो तो अरविंद केजरीवाल के प्रति प्रेम दिखा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को 100 सीट मिल रही है, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अखंड भारत है, भारत में भी ना चुनाव लड़े हैं, सुनिए ना आप उधर बता देते हैं कि ये जो भी एग्जिट पोल आ रहे हैं, ये जो भी आंकड़े सामने आ रहे हैं, इनका आधार ईवीएम नहीं, इनका आधार डीएम है, तो भैया जो आप लोगों की तरफ से बयान आ रहे हैं उनका क्या आधार है, ये तो आप बिना आयोग जो बात कही है हमें बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जिसका ये थे जो चुनाव आयुक्तों को मंत्री बनाते रहे, राज्यसभाओं में भेजते रहे और सब कुछ उनको तरीके से उपकृत करते रहे, आज कोई चुनाव आयुक्त मंत्री नहीं बनता, लेकिन ठीक है उन्होंने जो करना था कर लिया, उसकी सजा भुगत रहे हैं आज ये, लेकिन आज जो चुनाव आयुक्त ने कहा कि हमको ये आशंकाएं थी, एक जगह हम चूक गए, हमको लग रहा था, हमें पता था कि विदेशों से हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे हमला होगा, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि हमें घर से ही वही हमला किया जाएगा, घर के अंदर से ही वो हमले हम पे होंगे। हाँ। और वो हमले क्या है, बयान की वो हमले ना होनी चाहिए, जयराम रमेश जैसे बड़े सीनियर चुनाव आयुक्त का ये बयान है तो कितना निंदनीय ये बयान है, जयराम रमेश ने जो कहा और आप जिन बयानों की तुलना कर रहे हैं उसकी सुनना सीखिए, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, आप बीच में बोलते मत रहिए, सवाल कर रहा हूं, चुनाव आयोग का जो बयान है ये जो बयान आप कह रहे हैं सवाल करने के लिए, आप जरा सोचिए सवाल करने के दिन चुनाव आयोग पे घर से हो रहा है, सवाल करने के दिन गए संजय जी, यानी मांग ना करें हम किसी से, ठीक है मैं आप दोनों को माफी के साथ रोक रही हूं, दोनों को माफी के साथ रोक रही हूं, मैं आऊंगी वापस आऊंगी, अभी तारिक खान साहब का तो ओपनिंग कमेंट भी नहीं हुआ, लेकिन तारिक खान साहब बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में सरिता विहार के पास ताज एक्सप्रेस ट्रेन में आग लग गई है, इस आग की चपेट में ताज एक्सप्रेस की 4 बोगियां आ गई है, ये इस वक्त जानकारी मिल रही है और तमाम जानकारियां आनी बाकी है, लेकिन शुरुआती जानकारी ये देखिए, ये जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है ये भयावह है, किस तरह से जो 4 बोगी हैं उनमें जबरदस्त आग लगी हुई है, आग की लपटें ऊंची ऊंची आप देख सकते हैं और सभी यात्री सुरक्षित निकाल लिए गए हैं, ये जानकारी मिल रही है, तो ये एक राहत की बात है, ये एक राहत है, लेकिन जाहिर तौर पर जैसे ही इस जलती हुई ट्रेन को वहां पर आसपास के लोग देखते हैं, आप हॉर्न की आवाज भी आप यहां पर सुन रहे होंगे कि किस तरीके से वहां पर एक अफरा तफरी, एक हड़कंप सा जो वहां वो मच जाता है जब इस जलती हुई ट्रेन को लोग वहां पर देखते हैं, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है राहत की बात ये कि सभी यात्रियों को सुरक्षित उस ट्रेन के भीतर से निकाल लिया गया है। वापस अपनी चर्चा पर लौटते हैं और तारिक खान साहब का मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। तारिक खान साहब, ये इतना एग्जिट पोल कभी ईवीएम आ जाता है, कभी एग्जिट पोल पर आप लोग सवाल उठाने लगते हैं, कभी मीडिया पर सवाल उठाने लगते हैं, कभी संस्थाओं पर सवाल उठाने लगते हैं, ये क्या है? वो तो कह रहे हैं कि भैया आपने हमको लापता जेंटलमैन बता दिया, सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे मीम्स आ रहे हैं। देखिए एक बात समझने की कोशिश करिए कि जब चुनाव आयोग पे सवाल उठता है, कुछ लोगों ने कहा कि ईवीएम में टैंपरिंग हो सकती है, तो चुनाव आयोग तुरंत आ गया ईवीएम लेके कि आओ इतनी बजे आओ चेक कर लो, फिर सवाल उठाए गए तो आप उसका जवाब दे दीजिए। और क्या पहली बार सवाल उठाए गए? 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने 2009 से 14 तक कैंपेन किया ईवीएम के खिलाफ, इनके सांसद जिनका नाम है JVL नरसिम्हा, उन्होंने एक किताब लिखी जिसकी प्रस्तावना खुद आडवाणी साहब ने लिखी और उस प्रस्तावना में लिखा कि 1000 कमियां ईवीएम में है। एक सेकेंड, हम अगर ईवीएम की कुछ कमियां बता रहे हैं या चुनाव आयोग की कमियां बता रहे हैं, या तो ये मान लें कि तब आडवाणी साहब गलत थे तो हम अभी कह लेंगे कि हम गलत हैं 100%, बीजेपी कह दे कि तब आडवाणी साहब गलत थे अगर उन्होंने चुनाव आयोग या ईवीएम पे सवाल उठाए थे, या ये पहली बार हो रहा है कि चुनाव आयोग से सवाल पूछे जा रहे हैं या उनके ऊपर संदेह की नजर से देखा जा रहा है। क्या तब आडवाणी साहब ने नहीं किया था
और अगर किया नहीं पहले तो मैं साबित कर दूं कि किया था, आप इसको सर्च कर लीजिए, विद्वान लोग बैठे। अच्छा। और या तो मान ले बीजेपी की आडवाणी साहब गलत थे, तो मैं अभी पूरे इंडिया गठबंधन की तरफ से सिद्धार्थ जी को लीजिए, वो जवाब देंगे, फिर चंद्र प्रकाश जी में आऊंगी। सिद्धार्थ जी, देखिए हिमानी जी, कांग्रेस पार्टी, नेहरू परिवार, नेहरू जी लाइसेंस राज लेकर के आए थे देश में, तो क्यों कांग्रेस पार्टी बाद में प्राइवेटाइजेशन कर रही थी? ये जिस एक बात पर ईवीएम का एक बहाना बनाते, अडवाणी जी ने ऐसा कहा और जीवीएल साहब की ऐसी किताबें रोज सुन रहे हैं हम डिबेट में, उसके बाद आप लोग 40 बार सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, 40 बार हर टेस्ट से ईवीएम गुजर चुकी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी, इलेक्शन कमीशन ने आपको बुला लिया, आप वहां पे पहुंचे नहीं, ईवीएम के साथ वीवीपैट आ गया, वीवीपैट का मिलान आ चुका, कितना डेवलपमेंट हो चुका ये धीरे आदिकाल में। अरे ऐसा हुआ था, उसने कहा था तब ना वीवीपैट था ना कुछ, तो ये भी कह रहे सिद्धार्थ जी पर कुछ भी कह के। सुनिए ना सिद्धार्थ जी, आप रुक जाइए, तारिक खान साहब आप हमेशा हिस्ट्री में ही रहते हैं, थोड़ा प्रेजेंट में भी आइए ना। मैं क्या कह रही हूँ कि अखिलेश यादव, एक सेकंड सिद्धार्थ जी, अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि ये दरअसल जो एग्जिट पोल्स जो है ना, ये आप अपने पक्ष में माहौल, एक नैरेटिव आप लोग दरअसल गढ़ रखे हैं इसके जरिए, और जाते जाते आप लोग शेयर बाजार का भी लाभ उठाना चाह ले रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपने देखिए पूरे चुनाव में आपने क्या किया, आप हमें कह रहे हैं कि नेगेटिव आपने राजनीति की, लेकिन आप लोगों ने क्या किया, परिवारों को आपस में लड़वा दिया, दो भाइयों को आपस में लड़वा दिया, इस तरह के तमाम आरोप भी अखिलेश यादव लगा रहे हैं। मैं तो हिमानी जी आपके चैनल से अखिलेश जी को एक सलाह देता हूं, अगर उनको इतना ही पता है तो शेयर बाजार में वो भी लगा देते पैसा, उसमें तो किसी ने नहीं रोका था ना। भाजपा के पक्ष में अगर एग्जिट पोल आ रहा है और शेयर बाजार ऊपर चढ़ रहा है तो उसमें पैसा लगा दो, आप भी कमा लेते 4 रुपये, ये कैसी बातें हुई। पर जो लोग बुखार उतारने के लिए 650 की दवाई से नहीं उतरता, 500 mg से उतरता है, ये बातें करते उनको क्या समझाया जाएगा। और किसी के परिवार में हमने कला नहीं करवाई, ये परिवार इस लोकतंत्र की कला के कारण है। अगर ये पार्टियां लोकतांत्रिक नहीं हो सकती तो देश में लोकतंत्र कैसे होगा। हमने आपके मंचों पर चाचा जी के बीच में, पिताजी के बीच में, बेटा जी के बीच में धक्का मुक्की करवाई थी क्या? हमने करवाई? ये आप लोग मात्र परिवारों के चंगुल में पार्टियों को रखना चाहते हैं और बात करते हैं समाजवाद की और उसके बाद कहते हैं कि देश में लोकतंत्र चाहिए। पहले पार्टी सवाल आ रहा है, एक स्टूडियो से सवाल आ रहा है संजय जी का, वो कह रहे हैं कि शेयर बाजार के पक्ष में आप ये कह रहे हैं। एक बात को याद रखिए, एक बात को हमेशा याद रखिए कि बगैर इतिहास के हिंदुस्तान की राजनीति कंप्लीट नहीं हो, और इतिहास के पन्ने हमेशा पलटे जाएंगे जब हमारे ऊपर आरोप लगाया जाएगा। आपने एक बार नहीं कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी का खुला जाएगा, एक बार भी किस चीज के लिए? आज अभी हम बात कर रहे हैं एग्जिट पोल पे, इलेक्शन पे, आप इतिहास वो कब की बात करना चाहते हैं, अपने बाबा आदम के जमाने की? रिलेटेड है ना। अरे बात करिएगा उसकी, अभी आपके सामने सवाल है कि आप इस देश के लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आप इस देश का के साथ जो कर रहे हैं, 2017 से पहले जो उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी आपकी पार्टी करती थी, वो राज आप फिर से लाना चाहते हैं, वो जंगल राज आप लाना चाहते हैं, वो अराजकता लाना चाहते हैं आप, जंगल राज के बहन देखिए अभी आप आज में जिए, गए नेताजी जो कहते थे कि लड़के लड़कों से। सुनिए ना,